स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर 9 तारीख को है और वो 7 तारीख को अपनी किताबें निकाल रहे होते हैं, आपकी कॉपी को मैस करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर आप सेक्शन बी कर रहे हो तो फिर आपने सेक्शन बी के सारे सवाल करने हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक लंबी चौड़ी लाइन यहाँ खींची, ये लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पर खींची और ये फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाली। क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी के। अपने पेपर में, अपने आंसर्स में क्वालिटी पैदा करो, ठीक है। किसी चीज गलत हो जाए तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है बहुत बेदर्दी से काट दिया जाए। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, हमारे स्टूडेंट ये उनसे गलत हो गया, ये चलो सारा का सारी इंक जो है ना उन्होंने इसी चीज पर खत्म करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ IGS आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्लास 9 के बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली दफा अपने बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं, जबकि मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट वो हैं जो कि अपने जो है वो बोर्ड के एग्जाम पहले भी दे चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू से लेके एंड तक, यानी कि एक दिन पहले से जो क्या गलतियां हम कर रहे होते हैं और एग्जाम में क्या गलती करते हैं और बोर्ड में क्या गलती करते हैं, ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में जो है वो मैं फोकस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं, वो क्या बात है कि हमारी सबसे पहले जो है वो ये चीज होती है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो रिविजन करके नहीं जाते, ठीक है। स्टूडेंट्स याद तो कर रहे होते हैं। देखो भाई, दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, पहले तो मैं यहाँ पर भी ये कर दूं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर 9 तारीख को है और वो 7 तारीख को अपनी किताबें निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है हमारा। एक तो स्टूडेंट्स वो होते हैं। उन स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास शुरू साल से मेहनत कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही की गलतियों को फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, जो 7 तारीख को बुक करेगा वो लाजमी सी बात है वो उसे सब कुछ याद करना पड़ेगा। और याद करने में होता क्या है कि वो वही चीजें याद करे, मतलब एक लिमिटाइज चीज है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ब्रेन वैसे ही जो है वो इतना ज्यादा एंड में स्ट्रेसफुल होता है कि वो इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सके। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर उनके जो कि हमारे पास जो है वो शुरू साल से मेहनत कर रहे होते हैं वो क्या गलती करते हैं। आपने एग्जाम में बहुत दफा देखा होगा बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास एग्जाम से निकल कर आते हैं, यार ये सवाल मैंने याद किया था लेकिन बस एंड टाइम पर रिवाइज नहीं किया। रिविजन बहुत जरूरी है और रिविजन के लिए पहले से पढ़ना, पहले से याद होना जरूरी है। तो एग्जाम से पहले आपकी तैयारी हो गई, अब आपका कल पेपर है, तो ये एक दिन पूरा आपने अपने रिवीजन को देना है और रिवीजन भी प्रॉपर करना है। ये नहीं मैंने ये लास्ट में करना है, ये लास्ट में करना है, प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर से लेकर चले। और आपको खुद अंदाजा होगा कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा टॉपिक कम टाइम लेता है। रिवीजन हर टॉपिक का करना है, क्योंकि हमारे पास रिवीजन की कमी की वजह से बहुत बच्चे अपने बहुत सारे मार्क्स को लूज कर देते हैं। उन्हें आता है लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता, स्टार्टिंग का याद नहीं आ रहा होता, एंड का याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं किया हुआ होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि रिवीजन करना है। फिर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखो भाई, एग्जाम में आपका जो आपके बॉडी का जो सारा काम है, ठीक है, वो रिलेट करता है ब्रेन से, क्योंकि जो कुछ आपने याद किया है वो ब्रेन में है, ठीक है। तो ब्रेन को तो फ्रेश रखना ही है और ब्रेन को फ्रेश रखने के लिए आपने अपने आप को भी फ्रेश रखना है। तो हमारे ये बहुत सारा मसला ये भी होता है, बच्चे शुरू साल से मेहनत कर रहे हैं, एंड में जो है वो उनको मसला ये हो जाता है कि बीमार हो जाते हैं, ठीक है, बीमार, या सुबह सर में दर्द हो रहा है, ये वो, क्यों भाई, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप रात भर जागे, स्टडी करें, सब कुछ करें, जो आपका मन करता है वो करें, लेकिन कल आपका एग्जाम है, आज रात आप 10 बजे लेट जाएं सोने, आपको नींद नहीं आएगी, 10:30, 11, 12 रिलैक्स होकर, बिल्कुल फ्री होकर, ये सोचकर नहीं कि कल मेरा एग्जाम है क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर एक दफा जो है वो 10, 10:30 बजे मैक्सिमम आपने लेट जाना है, और लेट जाने के बाद बिल्कुल जहन से निकाल दें कि आपका पेपर है और आप सोने की कोशिश करें, ठीक है भाई। 1-1.5 घंटे में बहुत से बहुत जो है नींद आ जाएगी, रिलैक्स माइंड वैसे फौरन ही सो जाता है, लेकिन चलो आपका मैक्सिमम लगा देते हैं 1-1.5 घंटे में नींद आ जाएगी। कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करके आपने उठना है, ठीक है। अब अगला हमारे पास स्टेप क्या होता है, रिवीजन हो गया, नींद पूरी हो गई, ठीक है, और ये उनके लिए जिनकी तैयारी पहले से होगी या होनी चाहिए,
नहीं है तो भाई अभी टाइम है, अभी कर लीजिए, अभी है 2-3 दिन भी है ना, 2-3 दिन में भी जो जितना कर सकते हो कर लो, ठीक है। एग्जाम से पहली रात, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एग्जाम से पहले 4-4 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर जरा सा सो गए, फजर में उठे जी, फजर की नमाज पढ़ी, नींद में हो रहे, नींद में होके पेपर दे रहे हैं। फिर इससे एक और भी नुकसान होता है कि पेपर करते हुए आपके जहन में चीजें नहीं आ रही होती, तो भाई नींद पूरी करके जाए। फिर तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है कि मैंने आपको कहा एक दिन पहले रिवाइज कर ले, बस एक दिन पहले रिवाइज कर दिया, 10 बजे सोने के लिए लेट गए, अब आपने अपनी किताब नहीं उठानी। ये जो 10 बजे आपने किताब बंद की है या आपने ओवरऑल बंद की है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको ऐसा लगेगा आप पीछे का भूल रहे हो, तो आप बस आप माइंड को एब्जॉर्ब भी तो करने दो ना, आप अपने ब्रेन को चीजों को एब्जॉर्ब करने दो इससे पहले कि वो एवेपरेट हो जाए, ठीक है भाई। तो इसीलिए अच्छा मैं यहाँ पर भी मैंने बहुत बच्चों को देखा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं सुबह के टाइम पर अपने सेंटर पे जा रहे हैं जी, किताब हाथों में है, सेंटर में जा रहे हैं, ठीक है, कोई बाइक पर है, कोई वैन में है, कोई कुछ भी है जी, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस अब आपने जो है वो किताब नहीं उठानी है, अब आपका पेपर है, अब कोशिश करें थोड़ा जो है वो आप दुआएं मांगिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। दुआएं मांगिए अपने लिए कि यार अच्छा पेपर हो जाए, ये वो, जितना ज्यादा आप दुआएं मांग सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं वो पढ़ लिए, ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो एंड में चीजों को यूं घुमा घुमा के ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें, वो फार्मूला भी देख लें, नहीं फायदा नहीं है इन तमाम चीजों का। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में जाकर जो है ना वो मेस कर देंगी चीजों को, ठीक है। तो अब ब्रेन को रिलैक्स होने दें, एब्जॉर्ब करने दें। और एक और चीज, सेंटर जाने से पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी माइंड की यानी अपनी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ शुगरी मटेरियल खाकर जाना है, लाइक कुछ भी ले लें आप, कुछ भी मीठा खा लें, कोई भी स्वीट डिश, चॉकलेट ले लें आप, टॉफी ले लें कोई, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो स्वीट चीजें होती हैं वो हमारे पास ब्रेन का फ्यूल होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लें, ठीक है, वो एक अलग मसला जो है वो क्रिएट कर देता है बॉडी में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट जो है वो थोड़ा बहुत आप मीठा खा के खाएं, जाके आपके आपके जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाए, ठीक है भाई। अब मेन पेपर पर आते हैं, तो वो बातें थी जो पेपर से पहले की थी जो आपको करके जानी है, ताकि जो है वो आपकी बॉडी एक्टिव रहे और एक्टिविटी के साथ एग्जाम करें। अब एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, एग्जाम के दौरान आपको सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी भाई, आपके पास पेपर आया ये नहीं पहले पेपर आया जल्दी 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 है, नो, आपने पहले पेपर को इत्मीनान से पढ़ना है, चाहे वो एमसीक्यूज का पेपर है या वो हमारे पास रिटन थ्योरी सब्जेक्टिव पेपर है, आप एतमीनान से 5 मिनट देके, 3 घंटे का पेपर है, 5 मिनट पेपर को दे दो यार, पेपर को आपने पढ़ना है, ठीक है। और उस पेपर में से जितने सवाल आपको याद हैं आप पहले मार्क कर लो सारे, ठीक है, मे भी वो सवाल जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा निकल आए और मे भी उससे कम निकल आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये चीज करने के बाद आप देखें कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी है। अच्छा यहाँ पर एक और बच्चे भी क्या करते हैं जी, बी सेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, अब याद नहीं आ रहा जी हाँ तुम्हारे पास कौन सा, सी सेक्शन का दूसरा सवाल है, अच्छा लाओ मुझे कॉपी करा दो जी, सेक्शन सी का दूसरा सवाल कर लिया जी, तीसरा सवाल, अब क्या हुआ, अब याद आ गया, हाँ सेक्शन बी का चौथा सवाल भी याद आ गया मुझे, सेक्शन बी चौथा सवाल, भाई ये आपकी कॉपी को मैस करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर आप सेक्शन बी कर रहे हो तो फिर आपने सेक्शन बी के सारे सवाल करने हैं, और अगर सेक्शन सी कर रहे हो तो फिर सेक्शन सी के सारे सवाल करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले पेपर पढ़ो, अंदाजा करो कि किस पेपर से ज्यादा मटेरियल निकल रहा है, बी सेक्शन से निकल रहा है, सी सेक्शन से निकल रहा है, कौन सा जो है वो पहले कर सकोगे वही सेक्शन पूरा करो, बी के सारे कर लिए फिर सी के सारे करो, सी पहले आ रहा है तो सी के पहले कर लिए और फिर उसके बाद बी के पहले करो, ठीक है। फिर हमारी एक पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है भाई, यह आपका कॉपी का पेज है, ठीक है भाई, हमारे यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक लंबी चौड़ी लाइन यहाँ खींची, ये लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पर खींची, और ये फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाली, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन, या हेडिंग्स में ही एक पेज गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत बने हुए ना कि यार जितना ज्यादा पेज भरोगे उतना ज्यादा जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे, भाई पेज भरने के मार्क्स नहीं है, मार्क्स आपकी क्वालिटी के हैं कि आपने क्या लिखा है और किस तरह लिखा है, क्वांटिटी के नहीं है, क्वालिटी के हैं।
अपने पेपर में अपने आंसर्स में क्वालिटी पैदा करो, ठीक है। किस तरीके से आपने जो है वो क्या करना है, इसके आंसर देने हैं, ये कर लिया। अब क्या है हमारे पास, ये यानी कि आपने ये लाइन तो वैसे ही ड्रॉ हुई भी होगी, लाइन ड्रॉ नहीं हुई भी तो भाई यहाँ वाली लाइन भले थोड़ी सी चौड़ी कर दो, ठीक है, यहाँ तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उसमें लाने के लिए एक प्लेन उसमें लाने के लिए एक हल्की सी लाइन खींच दी, बहुत से बहुत हो गया, एक हल्की सी हेडिंग डाल दो, ठीक है। पेपर अच्छा इंट्रोड्यूस करो, यानी कि अच्छा जो है वो पेपर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर अच्छा जी आप लिखने वाले हैं, आप आगे आगे लिख लें, लिखने के बाद आपके पास क्या हो गया कि ये गलत हो गया, गलत हो गया, रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ही सिर्फ जो होता है वो ये होता है रिमूवर से पीछे का मिट जाता है, और पेपर की कॉपीज जो होती है वो चेक होती है काफी टाइम बाद, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इंक हल्की हो सकती है, तो जिस टाइम पर वो चेक हो रहा होगा उस टाइम पर हो सकता है जो आपने लिखा है वो मिट जाए, तो थोड़ी सी गहरा पेन थोड़ी सी गहरी इंक यूज करिएगा, ठीक है। और कोई चीज गलत हो जाए तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है बहुत बेदर्दी से काट दिया जाए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इजी, ये आपका गलत हो गया, आप सिंपल एक पेंसिल उठाएं और ये पेंसिल से आप इसे यूं करके काटें और आगे अपना लिखना स्टार्ट कर दें, ये बेहतर तरीका है। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, हमारे स्टूडेंट ये उनसे गलत हो गया, ये चलो सारा का सारी इंक जो है ना उन्होंने इसी चीज पर खत्म करनी होती है, तो ये आपकी कॉपी को मैस करेगा, वही चीज है कॉपी के रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा कॉपी की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा जो है ना वो क्या होगा आपकी कॉपी में वो जो लिटिल लिटिल छोटी छोटी सी चीजें होती है ना मिस्टेक्स, वो खुद ब खुद इग्नोर हो रही होंगी, ठीक है। क्योंकि देखो जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा चेकर ध्यान से चेक कर रहा होगा, यार ये मैस इतना हुआ है क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, तो उतनी ज्यादा वो छोटी छोटी चीजें भी जो है वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स भी जो है वो काउंट हो रही होंगी और वो फिर उसमें रेड मार्किंग हो रही होगी, तो इन चीजों का आपने जो है वो ख्याल रखना है लिखते हुए भी एक दिन पहले भी। आई होप कि मेरी ये तमाम बातें आपको समझ में आई हो और आप इसे फॉलो करें। अगर तो मेरी बातें समझ में आई है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।